हालत खराब हो गई थी, चलने नहीं हो रहा, मेरा पैर में दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम है आप सबका अमरीन समीर ब्लॉग में। तो गाइस आज है संडे, संडे की सुबह और सुबह के बज रहे हैं 10। हाँ तो आज मुझे काम पर तो नहीं जाना, आज मेरी छुट्टी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, मुझे ना गिफ्ट दिए हैं मेरे मैडम और सर ने। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है ना गाइस। उनका नाम है, मेरी मैम का नाम है फिरदौस और मेरे सर का नाम है योगेश, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मैं काम कर रहा था ऑफिस में, और क्या गिफ्ट दिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, पहले पूरा डिटेल में बता दूं कि किसने भेजा है और कैसे भेजा है, तो उसके बाद में मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। तो मैं काम कर रहा था, हाँ जुम्मा का दिन था, मैं काम कर रहा था। तो काम करते करते ना, तो किसी ने बोला कि अमीर जा, तेरे को मैडम बुला रहे हैं। काम करते उनको ज्वाइन हो गया, कम से कम कितना दिन हुआ, कुछ 5 से 6 महीना हुआ उनको ज्वाइन होके हमारे ऑफिस में। हाँ उनका नाम है फिरदौस। तो बोले तेरे को मैडम बुला रहे हैं अंदर। तो मैं गया कैबिन के अंदर, गया तो मैम को बोला, सलाम दुआ किया मैम को। मैं बोला हाँ मैम बुलाया आपने। तो बोले आप क्या करते हो। मैं बोला क्या करता मैम, मैं तो इधर काम करता हूँ ऑफिस में। तो यूट्यूब पे क्या करते हो। अरे मैं बोला मैं हाँ वो मैंने ब्लॉगिंग चालू किया हूँ, अपना डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ, ऐसा वैसा बताया उनको। मैं बोला माँ की, मैं दिल में बोला मैम ने लगता देख तो नहीं लिए, अब पता नहीं सब्सक्राइब किए कि नहीं किए, हो सकता स्वीप करते करते मेरा वीडियो आ गया रहेगा ऊपर। तो मैं एकदम घबरा गया, पहले बोला मैम को बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, कब से चालू किए। मैं बोला मैम थोड़ा हो गया, 2-3 महीना मेरे को हो गया चालू करके। अच्छा ठीक है, कितना पैसा मिल जाता उसके अंदर। तो मैंने बोला मैम अभी तो मेरे को कुछ पैसा ऐसा मिला नहीं इसके अंदर, ये मैंने स्टार्ट किया हूँ, ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन मेरा ये काम है मेन ऑफिस का। मैं बोला कभी कुछ किसको कंप्लेंट ना कर दे। तो मैंने बोला मैम ये मेरा पार्ट टाइम है और ये मेरा मेन काम का ऑफिस है। बोले अच्छा ठीक है ठीक है। फिर मेरे को बोला अच्छा ठीक है जाओ तुम। अब मैं चला गया, मैं घबरा गया। तो मेरे दोस्त लोग पूछते क्या हुआ क्या बोले। मैं बोला कुछ नहीं यार, ये पूछ रहे थे कि कैसा है क्या है ये सब है, बोले कुछ नहीं ठीक है। और हो सकता है मेरा ब्लॉग देख लिए रहेंगे। हाँ और पटक से फिर ना उसी दूसरे दिन सैटरडे के दिन मेरे घर पे ना मैडम ने मेरे को फ्रिज भेज दिए। हाँ और फ्रिज भेजे तो भेजे और कुछ बताया बताया भी नहीं मेरे को ठीक है, और भेज दिए मेरे घर पर। पहले फ्रिज भेजे तो मेरे को फ़ोन आता उससे फ्लिपकार्ट से, ये इससे अमेजोन से कि हाँ आमिर शेख मैं बोल रहा हूँ। मैं बोला अरे माँ के क्या हो गया। तो बोले आमिर शेख बोल रहा हूँ, मैं इधर कला विद्यालय के पास आया हूँ, हाँ ऐसा वैसा तो क्या बोलते हैं इसका नाम पार्सल लेके आया। अरे मैं बोला क्या है सर। तो बोलते हैं फ्रिज। और मैं फिर फटाफट मेरे भाई को मैंने फ़ोन किया, बोला छोटू भाई कि जाओ देखो कला विद्यालय के पास ना कुछ आया है पार्सल, जाके ले लो। तो बोले क्या है भाई। बोला पहले मेरे को भी नहीं मालूम, तुम पहले जाओ तो पहले देखो। तो वहाँ पर गए छोटू भाई ने लिए, कलेक्ट किए मेरे अब्बा छोटू भाई उनके कारीगर लोग कलेक्ट किए, मेरे घर पर लेके आए। हाँ तो फिर मैडम ने फिर मेरे को वो टाइम पर भी कुछ नहीं बोले। फिर अगले दिन ना मेरे को और कुछ भेज दिए पार्सल। अरे मैं और घबरा गया। मैं बोला क्या हो गया। फिर से मेरे को फ़ोन आया फ्लिपकार्ट वाले का, उसका ये फ्लिपकार्ट वाला नहीं था, ये अलग ही था कोई, तो मुझे भेजे। हाँ और मैंने देखा, अरे मैं बोला मैं एकदम फूले नहीं समा रहा हूँ। हाँ और मैडम भी नहीं आए ना उसके बाद में काम पर, मैडम आए नहीं सैटरडे के दिन मेरे को आया ना, उसी दिन से मैडम नहीं आया। मैं बोला मैं सबको कैसा बवाल करूँ कि यार मेरे को मैडम ने ऐसा भेजे है, मैं किसको बवाल करूँ क्या नहीं करूँ। हाँ मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैं बोला क्या बोलूँ, हो सकता है आज संडे, अभी कल मैडम आएंगे तो कल मैडम से बातचीत करूँगा। हाँ अब मैं एकदम परेशान हो गया, एकदम ये हो गया, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कर रहा दिमाग। मैं बोला अभी सबको बता दूंगा तो क्या बोलेंगे कि लोग लगता है मैडम ने इसको कुछ दिया बवाल कर दिया इसने, ऐसा वैसा ही हो। तो फिर सब ठीक हो गया। अब मैं कल जाऊँगा ऑफिस में काम पर, तब मैडम से पूछूँगा कि मैडम आपने मुझे गिफ्ट भेजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ ऐसा वैसा। क्योंकि मेरे को देख के ना बोले अच्छा ठीक है तू जा, ऐसा बोल दिया बस, और मेरे को कुछ बवाल नहीं किए, किसी को भी नहीं बोले वो। बोलो अब वो कल आएंगे तो पता चलेगा कि मैडम ने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलो खैर, मैडम मेरे अल्लाह को सेहत दे, मेरी मैडम को तंदुरुस्ती दे। हाँ और मेरे सर दोनों जो कि मिल के किए हैं मेरे लिए, जो भी किए मेरे लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सब भी दुआ करो कि अल्लाह उनको उनके परेशानी को दूर करे, हाँ और अल्लाह उनको सेहत दे, मेरे लिए इतना हेल्प किए। बोलो
6 महीना हुआ मुझे काम पर लग के, मेरे से इतना भरोसा मेरे ऊपर किए और मेरे वीडियो देखे, क्या किए मेरे को भी नहीं मालूम, बस अल्लाह ने उनको ज़रिया बना के भेजा कि क्या बना के भेजा सब अल्लाह ही जानता है। बस मैं इतना खुश हूँ, इतना मैं खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे घर पे फ्रिज आई है और वो भी कितने की आई है मैं आप सबको बताऊँगा, तो आप सब भी एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे कि आमिर को इतनी महंगी फ्रिज आई है और भी एक पार्सल आया है। मैं क्या बोलूँ, बस मैं इतना खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ ना, मैं नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है लेना, हाँ नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है लेकिन मुश्किल है लेना। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना महंगा मुझे गिफ्ट मिलेगा मैडम की तरफ से, तो चलो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। लेकिन वो मैंने ओपन कर दिया हूँ पहले ही, क्योंकि जब छोटू वोटू भाई गए थे ना तो वो चढ़ नहीं रहा था तो वो निकाल दिया, तो मैं आप सबसे क्लिप लगाऊंगा कि कैसा ये आया है, कैसा छोटू भाई, मेरा अब्बा मेरा छोटू भाई और उनके कारीगर लोग ने मेरी बहुत हेल्प की है, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे अब्बा का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखे, मेरे छोटू भाई की रोज़ी में बरकत दे, मेरे अब्बा की रोज़ी में बरकत दे। हाँ उन लोग ने मेरे बहुत हेल्प की, एक ही आवाज़ में उन लोग एकदम फटाफट मेरे पार्सल को लाने जाते थे तुरंत। चलो मैं चलता हूँ अंदर और आप सबको बताता हूँ। तो मैंने बोला था पहले नजमा से बात कर रहा हूँ, फिर आप सबको मैं बताऊँगा, तो यहाँ पर आ गई है नजमा। सलाम अलैकुम गाइस, अमरीन समीर गोलक में। और गाइस बहुत गर्मी है, देखो पूरा पसीने पसीने हो गए, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ना, बर्तन सर्तन धोना। तो आप सबको नजमा देखो आईब्रो बना ली है, हाँ कैसा बना के आई कमेंट में जरूर बता देना। देखो गाइस एकदम पतला कर दिया, ये देखो है ना, तुम बोले उनको झाड़ा करना, मैं बोली थी हल्का मीडियम में करना, और वो क्या करी देखो, बोलो नहीं भाभी ऐसा पतला थोड़ा रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, ये सब बोलते हैं भाभी बहुत पतला कर दिए, अब बोले जाने दो क्या करेंगे। हाँ तो जब घर पे पार्सल आया ना, नजमा का खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि क्या आ गया है क्या नहीं आ गया, तो नजमा बताइए अभी। वह तो सपनों में जा रही थी कि गैस की हमारा आ जाएगा फ्रिज, तो आ गए फ्रिज, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बताते हैं गैस को, हाँ चलो 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 नजमा बताइए, चलो बड़ा भाई के अब्बा के सलमान भाई के और मेरी हालत खराब हो चुकी है, हम लोग तीनों जन आए यहाँ पर उठाने के लिए, ओनली पर्सनल तुम्हारे को भेज रहे हो, ठीक है। लेके आए थे यहाँ पहुँच गए हम लोग चक्की के पास। हेलो हेलो, हाँ मैं अभी फ्रिज चढ़ा के आ रहा हूँ दुकान पे पैसा देने के लिए। आराम से टेढ़ी हो रही टेढ़ी हो रही। तो फाइनली चढ़ गई ऊपर फ्रिज, ये अपने अब्बू को क्या बोलेंगे, देखो दोस्त हम लोग ना ऊपर रख रहे थे, अब्बा ने लॉग इन ही लगाए साइकिल गिर गई, ऐसा इतना खतरनाक करेंगे अब्बा तो हालत खराब हो गई थी, चलने नहीं हो रहा हमारा पैर में दर्द हो रहा है, तो ये खोल रहे हैं हम लोग क्योंकि बिना खोले ऊपर चढ़ेगा नहीं, पहले ऐसा खड़ा रखो ना, खड़ा रखो देखो काट देंगे, तो हम लोग ने उसको साइकिल पे ला दें, पापा बोलते साइकिल पे ले जाए चले जाएगा, क्या गाड़ी चाहिए, हाँ हाँ मिल जाएगा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए इतना वजन लग रहा था, ये साइकिल जैसा साइकिल ही है, हाँ गियर वाली साइकिल है माशाल्लाह। चलो
हाँ चलो पहले वो तो चढ़ाओ ऊपर किसको पहले भाभी ऊपर रखो चलो अब आराम से ले जाएगा अब आराम से टेंशन ही नहीं रुक जाओ इसमें क्या देखो हेलो ये भी रखो ऊपर रुको पहले थोड़ा बॉक्स चढ़ाओ फिर उसको गियर वाली हाँ सर गियर वाली गियर कैसे रहती है वैसी वाली साइकिल हाँ मालूम है चार्जिंग करना पड़ेगा उसको तो ये देखिए माशाल्लाह एकदम बेहतरीन साइकिल हो गया है अनबॉक्सिंग क्योंकि बॉक्स के साथ ऊपर नहीं चढ़ रहा था बहुत भारी बहुत बड़ा बॉक्स था कैसा आता था हालत खराब हो गया तो हम लोग इसको ऐसे ये क्या है इसमें कुछ फाइल हाँ पेपर वेपर वो सब रहने दो तो ए, कुछ फॉर्म नंबर था इसे रहने दो चलो बड़ा मस्त है देखो ना इसमें सब चावल दाल सब रखी ये देखो ये है पहले ऊपर से नीचे तक कट कर देखो चावल दाल मैंने सब रखी है देखो भाजी नजमा की सेटिंग देखो कैसे सब रखा हुआ मेरा डबल डोर है हाँ क्या और कंपनी का नाम है एलजी और 10 साल की वारंटी है और 3 स्टार है 1, 2, 3 स्टार है यहाँ पर ठीक है ना गाइस खोलो ये देख इसमें अभी नहीं रखा इसमें भी नहीं अभी रखी है इसके अंदर ना इसमें नहीं रखेंगे ये ऊपर का है बंद करो इसमें अभी रहने दो बाद में रखेंगे अभी इसमें रखी नीचे में है ना इतना जगह इसके लिए नीचे में रख और कलर है ब्लैक बहुत अच्छा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बता देना गाइस मुझे तो कसम से मैं क्या बोलूं यार अभी बड़ा मस्त है फ्रिज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है देखो क्या मस्त कलर दिख रहा है तो फिर मैंने वहाँ पे बोर्ड बिठाया वहाँ बोर्ड नहीं था सामने क्योंकि इसमें बिठाएंगे ना तो ये मेरे को लगता ना जल भी सकता है तो उसका बोर्ड अलग आया है और यहाँ पर हमने सेटिंग किए हैं इधर पर सेटिंग किए हैं तो इसको हटा देंगे तो ऐसे ही बच्चे लोग देखे कैसा लग रहा है आप सब बताना मैं तो एकदम खुश हो गया मेरे बच्चे लोग सब लोग खुश हो गए यहाँ पर बैठे तो क्या कर रहे लोग क्या करे बेटा तो गाइस हमने बहुत वेल देख रहे फिर रात में सब खोलते रहते पानी पीते रहते खोलते रहते पानी पीते रहते है ना और नजमा क्या करती है हम भी दिन भर ठंडा पानी पीते रहते ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीने का तबियत खराब हो जाएगी मेरा बेटा जमता है इसके लिए मैं ठंडा पानी पी ये क्या करती थी मालूम इसको ठंडा पानी पीने का रहता था ना तो सामने वाली मांग देती बोल तू मेरा ठंडा पानी पीने का रहता था ना गाय तो ये सामने वाली है ना भाभी सामने वाली भाभी हाँ तो इससे मांग लेती थी मैंने एक बोतल दे देती थी हमारा आदत है ना पहले से ठंडा पानी तो चलो अभी आपको हम लोग दूसरा गिफ्ट बताएंगे दूसरा जो कि मेरे सपना मेरा पूरा हो गया है और वो है ये देखो ये कवर उल्टा है मैं बताऊंगा पहले अमरीन अले कर पकड़ मैं रख रहा हूँ मेरे अब्बा और मेरे छोटे भाई ने बहुत हेल्प की है मेरी हाँ इसको लाने के लिए इतना वजन था और ये साइकिल कैसी है क्या है मैं आपको पूरा बताऊँ कैसी है साइकिल ये साइकिल बड़ा हाँ देखिए गाइस ऐसा है देखिए कैसा है कैसा है साइकिल बड़ा मस्त हाँ मस्त है देखो ये मस्त साइकिल ये फोल्ड वाली साइकिल है ये फोल्ड है और यहाँ बैटरी यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर गियर वाला है और मस्त एकदम मतलब पैंडल भी मारने का अपने लोग और 46 इसका कुछ वो है शायद हाँ बहुत मस्त है यार मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी भयंकर बाइक और साइकिल दोनों काम करेगी ये 46 का इसका एवरेज है मैं आपको पूरा बताऊँगा चला के बताऊँगा जब इसको फोल्ड इसका खोलूँगा तब बताऊँगा ये तो अभी मैं ऐसे बता दे रहा आपको कि मुझे ये गिफ्ट मेरी मैम की तरफ से आया है फिर दोस्त मैं ठीक है ये देखो ये बंद करना आवाज लात मार मुंह पे देखो गाइस आप सब कितना अच्छा लग रहा है कितना मस्त लग रहा है मेरे बेटे को मैं घुमाऊंगा साइकिल पर बिठा के नजमा को भी घुमाऊंगा बिठा के खाली बैठने का रेस देने का बस चलते रहेगी अपना इसका पैंडल देखो इसका चैन देखो हाँ इसका लॉक के ये जब पूरा होएगा ना देखो कैसा रहेगा वो जैसा साइकिल वो नीचे का वैसे ऐसा नहीं पर अलग है देखिए इसमें इसका टेम्परेचर बताएगा मतलब इसमें वो बताएगा इसका कि स्पीड में ज़्यादा करने का स्पीड यहाँ बढ़ाने का स्पीड कम करने का हॉर्न भी इसके अंदर लाइट भी जलती है सामने की हॉर्न भी मार सकते हैं पै पै तो हॉर्न बजेगा यहाँ पर तो कहीं हॉर्न है फिटिंग करने का मालूम पड़ेगा हॉर्न तो कहीं रहेगा हाँ बोल अगर गाइस
अगर इसके यहाँ पर भी दो टायर रहते तो अच्छा रहता। दो टायर ये भी तो जैसे दो टायर है, बैठ सकता है, बैठने वाला है जगह। मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखे ना आप सपने मेरा सरप्राइज गिफ्ट, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ पास में अल्लाह पाक ऐसा जरिया बनाएंगे कि मेरे पास में फ्रिज और मेरे पास इतनी मस्त साइकिल आ जाएगी। तो नजमा से बात करते हैं कि नजमा क्या बोलती है। बड़ा मस्त है साइकिल, मजबूत भी है और बड़ा मस्त है गाइस। हम लोग बहुत खुश हो गई देखी तो, मैं बोली कि बहुत अच्छा साइकिल है। देख के कुछ बोलो। बोलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जो इतना मेहरबानी की, हम लोग आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और क्या बोलेंगे कि आप लोगों में हम लोग का दुआ लगे कि आप लोग बहुत हर परेशानी हर चीज़ से हर बला हर दुख से दूर रहे, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और क्या बोलेंगे गाइस, हम लोग जा रहे हैं इसको देने के लिए बंगार में। बंगार में हाँ क्या, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ अभी साइकिल ही, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। और फ्रिज का भी बॉक्स नजमा ने दो दिन पहले ही भंगार में दे दी थी, है ना परो? तो यहाँ पर हम लोग ने पहुँचा दिए हैं, देखो यहाँ पर ये। और कितना रेट चल रहा है मालूम आपको? दस रुपये किलो चल रहा, 10 रुपये किलो। तो हम लोग का 7 किलो निकला, 70 रुपये हुआ। बोल तू बोल। इससे पहले 1 किलो देखेंगे। हाँ 6 किलो भंगार है, 1 किलो तो अभी दे के गई थी, 7 किलो। 7 किलो, 7 किलो ठीक है। ये देखो ये है, सत्तर रुपए टोटल, 70 रुपए सब मिला के 60 रुपए। अरे से पहले का 10 रुपया, पहले का हुआ ना 70। और फ्रिज का भी इधर ही दी थी क्या? हाँ फ्रिज का कवर ही बोल रहा हूँ ना। हम लोग अपनी चक्की का ये सॉरी गेहूँ पिसाने के लिए हम लोग यही देते हैं मेरे अंकल के पास में, है ना अंकल? क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश यादव। देखो अंकल ये इनका है दुकान, है एकदम रावस है, ये हमारे घर के इधर का एरिया है, 7 नंबर का इधर जाएंगे यहाँ से, ठीक है? तो चलो फिर आप सबको मिलते हैं घर। देखो गाइस यहाँ से राशन खरीदती हूँ हम लोग, देखो गंगाराम का ये है, ये देखो हमारे दुकान है, आगे देखो बैठे है सामने में। ये देखो सामने में, ये हम लोग जितना राशन खरीदते हैं ना ते है से आगे। देखो अंकल यही है मेरा अंकल, बहुत अच्छे ये मेरा अंकल है। हाँ बहुत अच्छा राशन देते, तो आप सब भी लेने का यहाँ पर आके, ठीक है? अरे नहीं पैसा। तो शाम को हम लोग जाएंगे ना इफ्तार लेने के, तो आप सबसे शेयर करेंगे ना परो इफ्तार लाने। ये हमारा घर का इधर का एरिया देखो भाई पूरा, बस यहाँ से राइट मारेंगे हमारा घर आ जाएगा। देखो यहाँ से राइट मारो, सामने लिखा हुआ है खरदोस कंपाउंड। देखो सामने लिखा है खरदोस कंपाउंड, ये गली में हमारा अंदर जाएंगे घर है 4 नंबर का, ठीक है? तो चलो सर आप सबको मिलते हैं घर पर। क्या नाम है तुम्हारा? दिख रहा है ये क्या करे नंगू पुंगू? अरे अरे कैमरा लेके भागने, कैमरा लेके भागेंगे मेरा तुम्हारा। चलो देखिए टाटा करो सर अब्बा को, देखिए टाटा करो, टाटा टाटा करो ऐसा, हाँ तो टाटा करो सर सर, हाँ ये चलो चलते हैं। लोग आ गए हैं अपने घर पे और अभी नजमा जा रही है कपड़ा धोने के लिए, बच्चों लोग को नहलाएगी धुलाएगी, तो आप सबको मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट 6 बजे, ठीक है गाइस? तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम लोग डायरेक्ट आपको 6 बजे मिलेंगे, क्योंकि साइकिल वाइकल फिर क्या है क्या नहीं है आप सबसे शेयर करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। हाँ थोड़ा कुछ काम भी है मेरे को, ठीक है? तो नजमा सब रेडी, बच्चे लोग सब लोग रेडी हो जाएंगे, तो आप सबको मिलेंगे डायरेक्ट शाम को। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।